भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन भी खत्म हो चुका है, जहां दूसरे दिन में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की, जहां दूसरे दिन में भारतीय टीम से कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बारी की शुरुआत की, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने 103 रन की ताबड़तोड़ बारी खेली, जबकि यशस्वी जायसवाल 143 रन पर नाबाद है, जबकि शुभमन गिल ने 11 गेंदों में 4 रन की बारी खेली और विराट कोहली 96 गेंदों में 36 रन बना के नाबाद है, जबकि भारतीय टीम ने कुल मिला के पहले और दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम ने 113 ओवर खेले, 2 विकेट के नुकसान पर 312 रन भारतीय टीम का स्कोर है, जबकि अब वेस्टइंडीज को लीड हो गई है 162 रन की, यानी कि भारतीय टीम ने 162 रन की लीड कर दी है वेस्टइंडीज टीम को। देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे दिन में भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है या फिर वेस्टइंडीज टीम को भी मौका बल्लेबाजी का मिल जाएगा। लेकिन WTC पॉइंट्स टेबल में अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाती है तो पहले नंबर पर काबिज हो जाएगी। भारतीय टीम का स्कोर कुल मिला के 312 रन से आगे तीसरे दिन में भारतीय टीम खेलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम कहां तक खेलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।